Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Jin raston se Rajyapal Anandiben Patel ve CM Yogi Adityanath gujre, unhein aaj dulhan ki tarah sajaya gaya tha. तोरण द्वार से लेकर रंग बिरंगी चुनरियों से चौराहे सजे थे। बीच सड़क पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए रंगोलियां बनाई गई थी। पूरी रात पुलिस प्रशासन, नगर निगम और मेरठ विकास प्राधिकरण का अमला सड़क पर उतरा रहा। उनकी कोशिश थी कि मुख्यमंत्री को चारों तरफ खुशहाली, सफाई, रंग बिरंगा ही दिखे। वे दाग और सड़कों पर बने गहरे गड्ढों पर उनकी गाड़ी हिचकोले न खाए। गाड़ी से खड़खड़ की आवाज न सुनाई दे, इसके लिए इन रास्तों पर रात भर बुलडोजर चलता रहा, सड़कों पर पैचवर्क होता रहा। सुबह हुई तो लोग हैरान थे कि एकाएक ही शहर की प्रमुख सड़कें रंगीन और गड्ढा मुक्त कैसे हो गई। यहाँ मुख्य मार्गों के अलावा बाकी की तो बात ही नहीं की जा रही है। इन बाकी सड़कों से ये काफिला कभी गुजरना ही नहीं था, लिहाजा इन्हें शहर के नागरिकों की तरह ही बदहाल छोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा था कि प्रदेश को गड्ढा मुक्त बना दिया जाएगा, लेकिन मेरठ शहर की प्रमुख सड़कों को यदि छोड़ दिया जाए तो यह पता नहीं चलता कि कहां गड्ढा है और कहां सड़क, या फिर गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। बहरहाल कमिश्नर आवास चौराहा और सर्किट हाउस चौराहा आज रंगीन छटा बिखेर रहे थे। नए पौधे, नए गमले और रात भर डिवाइडर पर होता रहा पीला और काला पेंट बाकी चौराहों को मानो चिढ़ा रहे थे। जेल चुंगे पर नगर निगम मेरठ द्वारा कबाड़ से बनाया गया चरखा आज पहली बार घूम रहा था। कबाड़ से संबंधित इस आशय के बैनर भी आज निगम द्वारा लगाए गए हैं। आगे तेजगढ़ी चौराहे पर फव्वारा हवा में पानी उछालकर वीवीआईपी मूवमेंट का स्वागत कर रहा था। वह यह बताने की भी कोशिश कर रहा था कि यदि यह ऐसे ही रोज चले तो शहरवासियों को सुखद व शीतलता का एहसास होगा। आज फर्स्ट बाइट की टीम ने उन रास्तों को बेहद करीब से अपने कैमरे में कैद किया जिनको सजने सजाने में पूरा अमला कई दिन और रात से लगा था, और सीएम योगी के जाने के बाद इन चौराहों से ताज़ा तरीन गमले, लहलहराते पौधे, मुस्कुराते हुए फूल वहीं पहुंचा दिए जाएंगे जहां से लाए गए थे। देखिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।